हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द अनदर DIY वीडियो। तो आज के वीडियो में हम फ्रॉम स्क्रैच एक DIY आर्टवर्क बनाने वाले हैं। फ्रॉम स्क्रैच मींस पूरा कैनवस बोर्ड भी हम स्क्रैच से बनाएंगे और ये प्रॉपरली टोटली वेस्ट से होगा। मैं आपको कैनवस बोर्ड भी किस तरीके से मैंने बनाया है वो भी प्रोसेस दिखा दूंगी और क्या आर्टवर्क होने वाला है वो तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। आई नो आपको बहुत पसंद आएगा, कम्प्लीटली डिफरेंट है क्योंकि मैंने ना मुझे 3D आर्टवर्क बनाना था और मैं सोच रही थी कि क्या यूज़ करूँ। मैं वैसे तो मैंने क्ले से बहुत DIY बनाए हैं, क्ले से, वॉल पुट्टी से, और बट कैनवस आर्ट के ऊपर ऐसे कैनवस के ऊपर कुछ आर्ट नहीं बनाया था। और मुझे बोहेमियन एक वॉल आर्ट बनाना था जिसमें माउंटेंस एंड जो रहता है ना बोहेमियन, जो आप समझ रहे हैं बोहेमियन थीम का एक वॉल आर्ट बनाना था और कुछ 3D इफेक्ट भी उसमें लाना था। तो मैं सोच रही थी उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। बट ये वीडियो एक्साइटिंग क्यों होने वाला है ये बता दूँ, क्योंकि आज हम इसमें यूज़ करने वाले हैं जो कि एक टेक्सचर क्रिएट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं दिस टिश्यू पेपर। ये जो माइक्रोफाइबर्स जो होते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, जो हम वाटर में डिप करेंगे ना तो एक टेक्सचर मिलेगा, उसी से हम पेंट करने वाले हैं, उसी से हम 3D आर्टवर्क क्रिएट करने वाले हैं। लेट्स सी ये किस तरीके से हो सकता है। तो मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर एक स्मॉल वीडियो देखा था जिसमें पेपर श्रेड करके एक वाटर में थोड़ी देर सॉक किया था और उसको ब्लेंड करके कलर और फेविकॉल के साथ मिक्स करके उन्होंने आर्टवर्क बनाया था। तो ट्राई करते हैं, क्यों ना ट्राई करना वर्थ होगा। तो चलो देखते हैं कि हम ये किस तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं अभी। सो दिस इज द साइज ऑफ द कैनवास, आप देख सकते फ्रेम में भी नहीं बैठ। तो ये पूरा कैनवास हम 3D आर्टवर्क से भरेंगे, इसमें प्रॉपर सिर्फ कलर नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि पूरा कैनवास होगा वो 3D आर्टवर्क से भरा जाए। तो देखते हैं वो किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर इस तरीके की नए वीडियोस आपको देखना पसंद है कि नहीं। चलो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने कैनवस किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रैप से ना ये वुडन प्लैंक्स के जो कटिंग्स रहते थे ना वो मुझे मिल गए, क्योंकि नेबर्स में थोड़ा सा रिनोवेशन का काम चल रहा था, उन्होंने ये कचरे में फेंक दिया था तो वहाँ से मैंने उठा लिया। तो साइज़ मैंने मैच कर लिए कैनवस के हिसाब से, ऐसे कुछ मेजरमेंट नहीं लिया, जो प्लैंक्स मुझे जो मटेरियल मिला था उसी को थोड़ा सा इक्वली कट करके ले लिया और यहाँ जो मेरे पास क्या है स्टेपल गन है उसके साथ वो ज्वाइन कर दिया। अब मेरे पास ये प्योर कॉटन का एक वाइट क्लॉथ है, थोड़ा सा रह गया था तो वो मैं एज अ कैनवस शीट के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो बट वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो जाता तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो कैनवस पेपर कैनवस जो रहता है उसके शीट्स बैक साइड पे इस तरीके से चिपका दिए, जो फ्रेम हमने क्रिएट किए उसके ऊपर। तो दो शीट इस तरीके से चिपका दिए और उसके ऊपर अब मैं वो कॉटन की शीट लगा दूंगी। तो कॉटन की शीट इस तरीके से लगाई कि पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाए और उसको फोल्ड करके मैं स्टेपल गन से स्टेपल कर दूंगी और एकदम टाइटली कपड़े को खींच के लगाना है ताकि कैनवस जो होगा प्रॉपरली एकदम स्टिफ कैनवस बोर्ड जैसा हो जाए। तो कैनवस रेडी हो गया, अब स्टार्ट करते हैं हमारी रफ स्केचिंग। तो यहाँ पर बहुत ही रैंडमली रफ मैंने माउंटेंस और ये ड्रॉ किया है। फाइनल जो भी आउटपुट होगा वो तो फाइनल ही आपको दिखेगा, बट यहाँ पर सिर्फ बता रही हूँ कि एक सीनरी माउंटेन सीनरी जैसा मैं आर्ट वर्क क्रिएट करना चाहती थी कुछ इस तरीके से मैंने रफली स्केच किया है। तो नेक्स्ट मैंने लिया है कप और उसमें थोड़ा सा पानी। अब जो पेपर होगा जो मेन इंग्रेडिएंट होगा तो वो होगा दिस इज टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर को थोड़ा सा टीयर आउट करके पानी में डाल दिया तो इतना टेक्सचर जैसा मुझे चाहिए था वैसा हो नहीं रहा था। तो फाइनली मैंने उसको ब्लेंड किया हैंड मिक्सी में और उसके बाद एक अच्छा सा पल्प निकल के आया। अब उसका थोड़ा सा वाटर निकाल के पूरा सा ऐसा निचोड़ के मैंने, क्योंकि वाटर इसमें नहीं रहना चाहिए, निचोड़ के वो ले लिया, उसमें फेविकॉल ऐड कर दिया और जो कलर मुझे चाहिए तो वो कलर मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अब सबसे पहला मैंने मस्टर्ड येलो किया है, दिस इज़ एक्रेलिक कलर्स। तो जो भी कलर्स होंगे ना तो अलग अलग सेपरेट क्रिएट करेंगे और उसी से हम पेंट करेंगे। पेंट इन द सेंस उसको टेक्सचर को कैनवस के ऊपर ऐसे स्प्रेड करते जाना है। तो सबसे पहले मैंने ट्वीज़र यूज़ किया क्योंकि
ट्वीज़र से रख रही थी बट वो नहीं हो रहा था, तो फाइनली मैंने टूल्स पैलेट नाइफ इस तरीके से यूज़ किया और इसे मैंने शुरू कर दिया। तो इतने इंटरेस्टिंग कलर्स में यूज़ कर रही थी ना, येलो ग्रीन, और क्या कर रही थी कि उसी में शेड्स ऐड करते जा रही थी। मतलब पहले येलो था तो थोड़ा सा बच गया, उसी में थोड़ा सा ओल पल्प डाल दिया और उसमें थोड़ा सा और ग्रीन कलर एक्रेलिक कलर डाल दिया, जो ग्रीन बच गया उसी में थोड़ा सा ब्लू मिक्स कर दिया और ये कलर ऐड कर दिया। तो इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है, जो भी है उसी में थोड़े से थोड़े कलर्स ऐड करके, बट कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए कलर एक दूसरे को। इस तरीके से कलर पैलेट चूज़ किया है और माउंटेन के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। क्यों नहीं, आर्ट वर्क है, पेंटिंग है, ब्राउन ही चाहिए, ब्लैक ही चाहिए, ऐसे नहीं ना। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं रिफ्लेक्शन दिखाना चाहती थी वाटर में, तो उसके लिए थोड़े से जो ऊपर वाली माउंटेन्स है उसका रिफ्लेक्शन नीचे आएगा और थोड़े से ऐसा डाइल्यूटेड कलर्स में वो रिफ्लेक्शन मैंने क्रिएट किया है। और यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन होगी वाटर और एक्चुअल माउंटेन्स में, वो मैंने वाइट कलर से थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर दिए वाइट कलर से, और दैट्स इट। जस्ट ओनली ऊपर वाला जो पार्ट था ना स्काई वाला, वहाँ पर टेक्स्चर नहीं था, तो सोचा कि वहाँ पर भी थोड़ा सा टेक्स्चर ऐड कर दूँ। सिंपल प्लेन टिश्यू पेपर को मैंने पानी और फेविकॉल के घोल से स्टिक कर दिया और इस तरीके से पूरा आर्ट वर्क एक 3D टेक्स्चर्ड पेंटिंग इस तरीके से क्रिएट किया है। आई होप आपको ये आर्ट वर्क पसंद आएगा। फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे करते वक्त ना बहुत मज़ा आया और आसानी से रेडी भी हो जाता है और दिखने में इतना सुंदर दिखता है ना 3D आर्ट वर्क, ऐसे दूर से देखा ना बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन। अगर वीडियो अच्छा लगा देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कौन सा DIY मैं ट्राई करूँ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं हमारे नए वीडियो में कुछ नए DIY के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।